रहे हैं, और जैसा आप हमें बता भी रही थी कि एक पथ है जिससे होते हुए आगे जाना है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शनों के बाद अब राम लला मंदिर, भव्य राम मंदिर पहुंच चुके हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अपने परिवार के साथ अयोध्या, जो नगरी है आध्यात्म की, जहां आना बहुत बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है, आज रामलला के दर्शनों के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लगातार उनका स्वागत हो रहा है। जो अयोध्या नगरी में तमाम मुख्य महंत और पुजारी मौजूद हैं, वो यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। खुद चंपत राय यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सपरिवार स्वागत किया है, और ये सीधी तस्वीरें आप इसी से जुड़ी लगातार देख पा रहे हैं। और अब राम मंदिर के अंदर प्रस्थान करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अयोध्या नगरी, जो अध्यात्म की एक बड़ी नगरी, आस्था का केंद्र, जहाँ आना अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है, आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। दीक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो राम मंदिर में यहाँ मौजूद हैं। दीक्षा, थोड़ा अगर जी आप जो भव्य राम मंदिर है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं, जिस तरह से आगमन अब उपराष्ट्रपति का अपने परिवार के साथ हुआ है, कैसे ये पूरा रास्ता होते हुए जाएगा। जैसे हमने देखा हनुमानगढ़ी में 76 सीढ़ियाँ जिन्हें चढ़कर हनुमान जी के दर्शन हुए, थोड़ा राम मंदिर के बारे में आप थोड़ा और विस्तार से हमें अगर बताएं। हम सीधे तस्वीरों में उपराष्ट्रपति को उनके परिवार के साथ देख पा रहे हैं। प्रीति, अगर आप देख रहे हैं इस वक्त जहाँ पर उपराष्ट्रपति जी मौजूद हैं, यहाँ से वो सीढ़ियाँ चढ़कर रामलला मंदिर भवन में प्रवेश करेंगे, और कहते हैं कि भक्ति पथ से होते हुए हर कोई भक्ति से सराबोर होता है। यही भक्ति आपको श्री राम की ओर लेकर जाती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात यदि धर्म का कोई विग्रह रूप है तो वह राम है। राम धर्म है, धर्म राम है। और यहाँ से सीधे प्रवेश आप देख पा रहे हैं सीढ़ियों के माध्यम से, उपराष्ट्रपति जी अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी के साथ रामलला भवन परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। भक्ति से ओतप्रोत हाथ जोड़े सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वे रामलला भवन परिसर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अगर मैं आपको इस पूरे राम मंदिर को समझाऊं, तो सिंह द्वार से दरअसल रामलला भवन का प्रवेश होता है, और सिंह द्वार से आपको कई मंडपों को पार करना पड़ता है, नृत्य मंडप, कीर्तन मंडप, और अंत में गर्भगृह, जहाँ पर श्री रामलला के भव्य दर्शन होते हैं, जहाँ पे श्री रामलला को स्थापित किया हुआ है। यहाँ से उपराष्ट्रपति जी का प्रवेश हुआ है, और वे सीधे रामलला के गर्भगृह की ओर गए हैं, जहां पर वो पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे। और कहा जाता है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब को ही। और आज का दिन तो वैसे भी बेहद खास है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसका आपको अक्षय फल मिलता है। और रामलला भवन परिसर में इस वक्त हम भी मौजूद हैं, रामलला भवन परिसर की आपको दर्शन करा रहे हैं, और उपराष्ट्रपति जी अंदर गर्भगृह की ओर जा चुके हैं। यहाँ से वे पूजन अर्चन करके कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, राम मंदिर परिसर में आ चुके हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ, और यहाँ इस समय वो गर्भगृह में मौजूद हैं। तमाम मंत्रों का जाप होता हम सुन सकते हैं।
सीधी तस्वीरें रामलला के दर्शन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ, और उन्हें हम देख रहे हैं तो पूरे राम मंदिर की एक मैं कहूँ प्रतिमा का छोटा सा रूप उन्हें उपहार स्वरूप यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। रामलला के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किए हैं, उनका पूरा परिवार उनके साथ आज मौजूद है। राम मंदिर के परिसर में पहुंचते ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उनका स्वागत किया और यहाँ तमाम महंत और पुजारियों की मौजूदगी में यहाँ दर्शन किए हैं भगवान श्री राम के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने परिवार के साथ। प्रसाद ग्रहण करते हुए उपराष्ट्रपति की पत्नी सुदेश धनखड़, साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्य। अक्षय तृतीया, जिसे सनातन धर्म में बेहद खास त्यौहार, बेहद महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, आज के दिन उपराष्ट्रपति अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि सनातन संस्कृति की ये नगरी जो आज एक दिव्य केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी है, जिसकी एक अलग पहचान है, और इस आध्यात्मिक नगरी अयोध्या जिसके रोम रोम में राम बसते हैं, यहाँ आना बड़े सौभाग्य की बात होती है। साथ ही हम राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी को भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सपरिवार यहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद हैं, साथ ही उपसभापति हरिवंश भी अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने आज अयोध्या में मौजूद हैं। तस्वीरों में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, दूसरी तरफ अब हम तस्वीरों में देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो अपने परिवार के साथ मौजूद हैं, और यहाँ बीच में विराजमान रामलला की भव्य मूर्ति। दंडवत प्रणाम। मंदिर में मौजूद महंत और पुजारियों के साथ उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़, आज अक्षय तृतीया का बेहद खास त्यौहार। वैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, आज उपराष्ट्रपति ने इस बेहद खास दिन को चुना रामलला के दर्शनों के लिए। गर्भगृह से होते हुए रामलला के दर्शन ये हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने, और यहाँ महंत और पुजारियों के साथ इस समय वो मौजूद हैं। समूची अयोध्या, जिसका कायाकल्प और रूपांतरण हो चुका है रामलला के मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और ये जो सुखद बदलाव है वो लगातार जारी है। हर कोई अपना एक बड़ा सौभाग्य मान रहा है रामनगरी अयोध्या में पहुंचने को ही, और यहाँ शीश झुकाकर रामलला को प्रणाम करते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। रामलला की भव्य मूर्ति, परंपरागत नागर शैली में तैयार ये मंदिर, जिसकी सुंदरता हर कोने से देखते ही बनती है, तमाम खासियतों से भरा भव्य रामलला का ये मंदिर, जहां दर्शनों के लिए आज उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ मौजूद हैं।
शीश झुकाकर उन्होंने भगवान को नमन किया है। सपरिवार वो यहाँ मौजूद हैं। अयोध्या जो रामलला की जन्मस्थली है, ये भव्य मूर्ति रामलला की और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ लगातार हजारों लाखों लोगों का आगमन अब तक हो चुका है दर्शनों के लिए, और रोज़ाना यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं दर्शनों के लिए। और आज अक्षय तृतीया के पावन दिन उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं। अयोध्या जो रामलला की जन्मस्थली है, क्रीड़ा स्थली है, जो सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है, श्री राम जो भारत की आत्मा है, तो अयोध्या भारत की सांस्कृतिक पहचान। और आज इस पावन धरती पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ रामलला की भव्य मूर्ति, श्री राम जो भारत के अतीत है, वर्तमान है और भविष्य भी, और अयोध्या हम जानते हैं कि अपने अतीत से निकलकर स्वर्णिम भविष्य रच रही है। वाल्मीकि रामायण के तमाम पंक्तियों को पढ़ते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गर्भगृह में, ये जो मुख्य गर्भगृह है, वहां प्रभु श्री राम का बाल रूप मौजूद है, जहां इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या अब अपने अतीत से निकलकर स्वर्णिम भविष्य रच चुकी है, और जाहिर तौर पर ये परिसर, ये मंदिर, रामलला की भव्य मूर्ति, पूरी अयोध्या कई युगों को अपने भीतर समेटे हुए है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी भी अपने परिवार के साथ आज अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं, और गर्भगृह से बाहर की तरफ आते हुए हमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ दिखाई दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करूं सब कोई, और ये मान्यता, ये आस्था लाखों करोड़ों लोगों की। इसीलिए अयोध्या नगरी में कदम पड़ने को ही एक बड़ा सौभाग्यशाली क्षण समझते हैं लाखों करोड़ लोग। और आज एक बेहद खास दिन, अक्षय तृतीया के मौके पर उपराष्ट्रपति सपरिवार अयोध्या में मौजूद। अयोध्या जो एक लंबे संघर्ष के बाद हर्ष और अजय दिखाई देती है, उसके उत्कर्ष का दिन, इसके साक्षी आज के दौर के लोग बने, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही भगवान राम के इस भव्य मंदिर में दर्शनों के लिए रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं। और आज उपराष्ट्रपति